को जानने वाले बन सके। मैं आप सबके लिए पढ़ता ताकि आप इसको देख सके, गौर से सुनिएगा। जितने लोगों के पास बाइबल है बाइबल ओपन करें, जिनके पास नहीं वो सामने देखें ताकि आप खुदा के कलाम को पढ़ सके। मैं पढ़ता हूँ, गौर से सुनिए कि खुदा के पाक कलाम के अंदर क्या लिखा है। लेकिन है प्यारो, उन बातों को याद रखो जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के रसूल पहले कह चुके हैं। वो उनसे कहा करते थे कि आखिर ज़माना में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी बेदीनी की ख्वाहिशों के मुताबिक चलेंगे। ये वो आदमी हैं जो तफरीके डालते हैं और नफसानी हैं और रूह से भी बेहर। मगर तुम है प्यारो, अपने पाक करीम ईमान में अपनी तरक्की करके और रूह कदस में दुआ करके अपने आप को खुदा की मोहब्बत में कायम रखो और हमेशा की जिंदगी के लिए हमारे खुदा यीशु मसीह की रहमत के मुंतजिर रहो। कलाम मुकद्दस का पढ़ा कलाम सबके लिए वाइस बात करो, खुदा का शुक्र हो जमा करें। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, खुदा के होने को महसूस करेंगे। चंद हाथ की कमोनी इख्तियार करके तस्वीरों को खाली करें। अगर कहा गया आपके पास तो सपना के बाद अब खुदा के कलाम को सीखने के लिए अगर किसी किस्म का बुरा ख्याल कोई मुनाजात दस की बीमारी अपने खुदा के सामने रखने की तो अपना कलाम नाजुक फरमा कर उनको शिफा बचता है। सबके आगे बात करें और छोटी सी चीज खुदा की दुआ करके खामोशी के साथ अपने दिलों के अंदर खास रिश्तेदार है और इसका खास है कि इसको यीशु मसीह का भाई भी कहा गया है। पहले ये गुलाम यीशु मसीह के मुखातिब थे, क्योंकि यीशु मसीह ने फरमाया जो मुखातिबत है वो भाई से शुरू होगी। सो नबी कभी अपने वतन के अंदर इज्जत नहीं पाता। सो उसके जो घर वाले थे यीशु मसीह के, वो यीशु मसीह को दीवाना कहते थे और उसकी इस बात को थोड़ा कंप्लीट तौर पर कबूल नहीं किया करते थे जिस तरह जरूरी था। तो जब खुदा यीशु मसीह का सातवें आसमानी हुआ, कब्रों में से मुर्दों में से जी उठते हैं, तो उन्होंने ईमान लाया और वो भी के साथ मिलकर खिदमत का काम सारा अंजाम देते हैं। कोई पेंटिकोस के रोज यीशु मसीह के भाई, उसकी मां, उसके रसूल और बहुत सारे लोग थे, वो यहूदी लोग पर दुआ कर रहे थे कि आसमान खुला और उनके ऊपर जोर के साथ नाजिल हुआ। यहूदा रसूल एक खूबसूरत बात हमारे गोश उतार करें, अक्सरों में सुनने में आता है आपकी कौन सी इंडस्ट्री है, कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन सा चर्च है। हमारे जो इंडस्ट्री वो रसूली कलीसिया है। कौन सी कलीसिया? रसूली कलीसिया। अगर खुदा के रसूल की कोई बात मेरी पढ़ने में समझ नहीं आ रही या वो इनकम्प्लीट है या हमारे ऊपर से गुजर रही है, तो हमें जरूरत है कि रसूलों की जिंदगी पर गौर करें। नए आदमी हमें पर आगे चले कि रसूलों ने यीशु मसीह के साथ थे वो ही जान रहे कि क्या बात किसके मुताबिक है। और बहुत सारी ऐसी बातें थी जो रसूलों को भी समझ नहीं आती थी। मिसाल के तौर पर एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला, तो इसका मतलब रसूलों को समझ नहीं आती थी, जिसकी वजह से यीशु मसीह से पूछा करते थे। अगर हमें भी खुदा के कलाम की समझ नहीं आ रही तो अहले जदीद के अंदर रसूलों की जिंदगी पर हम गौर करें। हम इसलिए पेंटिकोस्ट के रोज मौजूद कर रहे और रसूली कलीसिया हमारी बुनियाद है, क्योंकि रसूलों की तरीक पर अमल करते हैं। अब चाहे वो बिदती थे या नहीं, बिदती जितने दिन उनको निकाला, लेकिन अब जो हम सफाई के साथ शफाफियत के साथ खुदा के कलाम को कबूल करेंगे और रसूल पाक के होता रसूल हमारे लिए लिखते हैं, ऐ प्यारो मैं तुम्हें तालीम देना चाहता हूँ। वो तालीम ये है, इस बात पर कायम रखो कि वही तालीम जो रसूलों ने दी है उस पर कायम रखो। और रसूलों को किसने तालीम दी थी? यीशु मसीह ने। तो यीशु मसीह की तालीम रसूलों ने और रसूलों से आगे कलीसियाओं में जो दी गई है उस पर कायम रहो, और यही हमारे लिए काफी है। और फिर आगे ध्यान करते हैं कि आखिर जमाना के अंदर कौन से लोग उठ खड़े होंगे, ठट्ठा करने वाले, मजाक करने वाले, खुदा के कलाम की तहकीर करने वाले। लेमुएल बादशाह इंसान की किताब के अंदर लिखा है, लात किया वो शख्स जो कलाम की तहकीर करता है क्योंकि वो अपने ऊपर बला लाता है, पर मुबारक है वो शख्स जो फरमान से डरता है क्योंकि हकीकी अजर पाएगा। तो अगर हकीकी अजर पाना है तो खुदा के कलाम से डरना है। और रसूल आजम पालूस रसूल तिमोथियुस और तीतुस के किताब के अंदर लिखते हैं, याद रखो आखिर जमाना के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे उठ खड़े होंगे जो कि अपने कानों की खुजली के बायस, किसकी वजह से? अपने कानों की खुजली के बायस अपनी मर्जी के मुताबिक अपने उस्ताद बना लेंगे। जिस तरह मैंने शुरू के बताया कि जिस तरह हमें जरूरत है खुदा के कलाम पर अमल करें, ना कि अपना अमल कलाम को लिखा है, कलाम की बात को सुनकर इस पर अमल करें, ना कि हम ये कहें कलाम को ये कहना हमने अपनी मर्जी करनी है। फिर आगे बयान करते हैं कि चार तरह की, तीन तरह की ऐसी निशानियां हैं जो उस शख्स के अंदर मौजूद होंगी। पहली चीज ये है वो नुकसानी होंगे, दूसरी चीज ये है वो ठट्ठे करने वाले होंगे, और तीसरी सबसे अहम बात ये कि वो रूह से बेदहर होंगे, चौथी और सबसे अहम चीज में होता फिर के डालने वाले होंगे। जिस शख्स के अंदर ये तीन से चार चीजें मौजूद है वो भूल जाए कि मेरा हक किताब के हयात के अंदर लिखा हुआ है। अगला हिस्सा रसूल मेरे और आपके लिए चार खूबसूरत नसीहत देते हैं, और वो पहली नसीहत क्या है? पहली नसीहत आप सबके लिए है कि अपने पाप करीब ईमान में तरक्की करें, इसके बाद खुद में
दुआ करे, फिर इसके बाद खुदा की मोहब्बत में कायम रहे और आखिर में खुदा और यीशु मसीह की रहमत के मुंतजिर रहे। ईमान क्या है? ईमान वो था जो हाबिल का था, ईमान वो है जो हनूक का था, जो अब्राहम का था, जो इसहाक का था, जो याकूब का था, जो यूसुफ का था, जो कौम इसराइल का था, जिन्होंने भी अबान के अंदर मन भी खाया, बहुत से मारे लेकिन बहुत से ईमान भी लाए। इस तरह अपने ईमान को रखना है और आगे ईमान में रहकर रुद्दुस में दुआ करें ताकि हमारी तरक्की हो। तो तरक्की क्या है? रुद्दुस की दुआ क्या है? हम ये कहते हैं खुदा ने हुक्म दिया, तू खुदा अपने खुदा की तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा। आप बरकत किस तरह मिलती है? जब हम खुदा के घर के अंदर आते हैं, हमारा ध्यान खुदा की तरफ हो। खुदा के घर के अंदर आने का मकसद ये अपनी लिस्ट ना खुदा को दिखाए। हम कोई सुपर मार्केट में नहीं है कि खुदा के सामने अपनी इत्तेजाए रखे। हमारा फर्ज ये होना चाहिए कि मैंने खुदा की हजूरी में बैठना है, उसको मुबारक कहना है। यह है रुद्दुस की दुआ, रुद्दुस में होकर। लेकिन जब कहा जाता है आपकी बात हो जाए तो अक्सर देखने में ये आएंगे लोगों की आंखें खुली होती हैं और वो खुदा के कलाम को कबूल नहीं करते। कहा जाता है सामने ध्यान रखे, लेकिन कोई अपने हाथों को देखने में मसरूफ है, कोई बच्चों के अंदर मसरूफ है, कोई अपने नाखून देख रहा है, कोई नेल पॉलिश लगा रहा है और दीगर ऐसे लोग मसाए रहे हैं देखने को मिलते हैं। क्या इस तरह हम चाहते हैं खुदा के अंदर आने वाले? नहीं। रुद्दुस की दुआ यह है कि हम खुदा के साथ जमा करें, हमारे वक्त हमारे खुदा के साथ रहे। तो फिर आगे रसूल एक और हम सबकी बात होती है कि उसके उल्फत उसकी मोहब्बत के अंदर कायम रहो। और खुदा की मोहब्बत क्या है? कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, उसके खून को पुकारे, उसके साथ जुड़े जाए, उस पर ईमान रखने के साथ साथ उसको मुकम्मल तौर पर भी जाने। और आखिर में सबसे अहम बात जो मेरे और आप सबके लिए खुशखबरी की बात है वो यह है कि यीशु मसीह की रहमत के मुंतजिर रहो। यीशु मसीह की रहमत क्या है? यीशु मसीह की रहमत क्या है? तो दो तरह की फितरतें हैं,
को सामने आती है। एक आती है रजाइयत, दूसरी आती है कलूयत। रजाइयत कहते हैं उम्मीदी को, नामहरमी से जो जिसका ईमान बड़ा ही बुलंद और बड़ा ही मजबूत हो। लेकिन दूसरा लफ्ज आता है कलूयत, इसका मतलब है एहसास कमतरी, ना उम्मीदी, शक्की। और तोमा की जो फितरत थी वो यही थी कि शक्की था, खुद भी जान था, लेकिन जब उसने यीशु मसीह को कबूल किया तो उसकी जिंदगी के अंदर क्या चेंजेस आए ये हम देखते हैं। पेशे की तरफ से क्या था, तरफान था कि लकड़ी का काम भी शख्स करने वाला था। आप इस वाक्य को याद रखें, जब खुदा यीशु मसीह की कब्र पर आते हैं और जैसे आप वहां पर आते हैं खुदा यीशु मसीह की लाश की कब्र पर जाते हैं और वहां पर जाकर पहले दूसरों कहते हैं आप अपने लाश को उठाने चले, तो रसूल यहाँ पर ये कहते हैं यीशु अगर तो वो सोता है तो उठ जाएगा, लेकिन यीशु ने कहा वो मर गया है। तो एक रसूल यहाँ पर उठने से ये कहा खुदा अगर आओ तुम भी इसके साथ चले ताकि हम भी मरे। उसने इसलिए कहा कि वो जानता था कि यीशु मसीह मौतों को जिंदगी देता है। फिर खुदा यीशु मसीह पर आप जाते हैं, मौत आई, उनको मारा गया, उनको अपनाया गया, कब्र में उतारा गया और किताब मुकद्दस के मुताबिक तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठते हैं। अब जी उठते तो रसूलों पर जाहिर होते हैं, रसूल खुश होते हैं। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि यहाँ पर एक रसूल ऐसा मौजूद है जो हाजिर नहीं था, वो कौन सा रसूल था? यहूदा इस्करियोती नहीं, तोमा रसूल। कौन सा? तोमा रसूल यहाँ पर मौजूद नहीं था। तो रसूलों ने कहा हमारी बात का यीशु मसीह से, इसने कहा मैं ईमान नहीं लगा जाता उसके हाथों में और पसली के अंदर हाथ डाल कर ना देख लूं। बाइबल में मकदस बयान करती है आठ वर्ष के बाद खुदा ने यीशु मसीह के दरमियान आकर कहा तुम्हारी सलामती हो, बंद दरवाजों से आप पाए। और क्या कहा तोमा? मैंने चाहा, मैंने देखा तेरा ईमान जाता ना रहे, ले मेरे हाथों में ये वो ही हाथ में कहकर कील लगाए गए थे, तेरा ईमान डामा डोल रहा और तुमने शादी आजम को आगे लेकर जा रहा है, साथ ही साथ मेरी पत्नी को भी छूट जिसके अंदर पहला लगा था वो भी उसी तरह है। और तो मैंने अपने सारा भी देखा, उसका भरोसा किया, उसको चेक किया, अपनी फिंगर उसके फूल के अंदर डाली, मीखों के सुराख के अंदर डाली और डालते ही यीशु मसीह की पत्नी को भी छुआ और इस बात का मैं प्रूफ दिया। उसका तो शक था लेकिन उसका शक हमारे लिए और गारंटी और क्रिटिक्स के इस बात को पेश करता है कि मसीह मुर्दों में से जी उठने में चालू था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसके बाद मुर्दों के पास उत्तर कहता है, अरे मेरे खुदा, अरे मेरे खुदा, मैं मान लाया अगर तुम मुर्दों में से कबूल करते हैं। अब बादशाह को पता लगता है कि इसकी शोहरत बढ़ गई तो बादशाह इसको कुछ नजराना देता है
है, कुछ रुपया पैसा देता है, अच्छी सारा इतना भी अपने खजाने का कुछ हिस्सा देकर कहता है मेरे लिए एक अच्छा महल बना, क्या कर मेरे लिए अगर महल तैयार कर, वो दोबारा एक दरेर वर्तमान शख्स है। तोमर सोने की बात उसने लेकिन तोमर सोने उल्टा काम किया, उसने महल का काम शुरू नहीं किया बल्कि उसने फौरन सारा कोई रुपया पैसा जितना उसने सेवरत और ज्वेलरी उसको दी थी उसने पकड़ा खुदावन की राह में उसको लुटा दिया, खुदावन के कामों के लिए इस्तेमाल किया। अब आप सुनिएगा कि क्या कभी जो है यहाँ पर हमें नजर आती है, उसने सारा कुछ खुदावन की राह में दे दिया और फिर आखिर ये बात कब तक छुपी, लोग उससे बड़े ही खुश थे, ये बात कब तक छुपी, ये बात आखिरकार बादशाह के कानों तक पहुंची। बादशाह को पता लगा कि महल जो है तैयार नहीं हुआ, तो बादशाह ने पैगाम भेजा तोमा महल कितना तैयार हुआ, उसने कहा बादशाह महल बस तैयार हो गया सिर्फ उसकी छत रह गई है, क्या रह गई है लेकिन महल तैयार हुआ था नहीं हुआ था। अब देखिए क्या होता है, बादशाह क्या करता है, जैसे ही तोमा रसूल को पता लगा कि बादशाह ने मुझे जिंदान के अंदर डाल दिया है, हुक्म सादर किया गया कुछ दिनों के बाद वो पता किया जाएगा, फौरन उस बादशाह गदा फौज का जो गदा फौज का गदा फौज जो बादशाह है उसका जो भाई था वो मर जाता है, उसकी रूह आसमान पर गई, उसको वहां पर फरिश्तों ने दिखाया कि खुदा उनका प्लान था, खुदा ने उसको दिखाया कि एक बड़ा एक खूबसूरत महल जो आसमान के ऊपर है तबीर किया गया, लेकिन उसकी छत तोमा ने क्या कहा था महल की छत तो उसका कहां था खजाना आसमान पर, बादशाह का खजाना चला गया था। अब जब वो वहां पर पहुंचा वहां पर ये देखता है कि बड़ा खूबसूरत महल है और सबसे है तो इस बात की मेरे बादशाह मेरा जो बड़ा भाई है उसका नाम लिखा हुआ बादशाह के जो महल है उस पर मेरे भाई का नाम लिखा हुआ है, इसका तो खूबसूरत महल है मेरे भाई का। वो बड़ा परेशान है कहता मुझे भी एक कमरा यहाँ पर चाहिए, लेकिन वो फरिश्ते कहते हैं ये कमरा मेरे लिए नहीं बल्कि सारे ही महसूस हो चुके हैं, उसने कहा मैं अपील करता हूँ मुझे वापस भेजा गया ताकि मैं अपने लिए महल का इंतखाब कर सकूँ, उसकी रूह को वापस भेजा गया और आकर ऐलान करता है कि इस तोमा को तुमने पकड़ा है ये खुदा का बंदा है, तूने अपना माल जमीन पर जमा किया और तोमा ने तेरा आसमान पर माल जमा किया, शुक्र से यसूस की वो बात याद की कि अपना माल जमीन पर जमा ना करो ना चोर नकब लगाता है किया है, तो फौरन इसके बाद यीशु मसीह वहां पर गए और जाकर उनको बताते हैं कि अब तुम अपने लिए मौत का वक्त है वो आने वाला है, उसने कहा खुदा मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं बल्कि मैं अपने ताज को लेने के लिए आने वाला हूं। फौरन इसके बाद अगला हिस्सा जो पढ़ते हैं हम देखते हैं इसके बाद है जब बादशाह ने उसको आजाद किया और कहा जा तू आजाद है, फिर ये वहां से होता। अब सुनिए केपीके का इलाका सूबा सरहद जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है उस जगह पर ये गए, वहां पर जाकर उन्होंने कलीसिया कायम की, वहां से निकले जेहलम की वादी में आए, जेहलम की वादी से होकर ये वहां से आते हैं और सिंध की वादी में आते हैं, जब ये सिंध की वादी में आते हैं सिंध की वादी में आने का उकाड़ा उकाड़ा के बाद टैक्सला और टैक्सला के बाद जितना दरिया सुधा बरेस गिरपा को इनका इलाका था वहां पर आकर इन्होंने मुनादी की और आज वहां की जनूबी हिंदुस्तान की कलीसियाएं जो हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है आज भी अपने आप को तोमा रसूल का नाम देती है और कहते हैं कि हम तोमा रसूल के मानने वाले हैं क्योंकि इसने यहां पर आकर झील की मुनादी की थी। अब आप जानते हैं कोई अच्छा काम कर रहा हो एक चीज चढ़ती है तो वो नीचे भी आती है, तोमा की मुनादी पहले बहुत ज्यादा चढ़ी लेकिन आखिरकार जब मुखालफत में अपना सर उठाया तो लोगों ने कहा हम इसको जिंदा नहीं छोड़ना, उसी इलाके के अंदर टैक्सला के मकाम के अंदर जो तोमा रसूल है मुनादी के अंदर मसरूफ थे कि इनको पकड़ा गया फतवा लगाया गया और एक ऊंची पहाड़ी पर ले गए, इनको वहाँ पहले पत्थर इनको पत्थर मारे गए कहा इनको संसार कर रहे हैं लेकिन लोग भी चाहते इनको संसार किया जाए, पहाड़ी से इनको नीचे उतारा गया और उतारने के बाद इनको फतवा दिया गया कि तुझे कदम करना है कौन से यीशु की तू बात करता है, अगर तेरा महबूब जिंदा तो कहे कि आ आकर तुझे बचाएंगे, देख लो अपनी जुबान से एक ही लफ्ज निकाला बोला तो क्या था ए बाप मेरा ईमान कायम है इनका ईमान भी कायम कर क्योंकि ए बाप इनको माफ कर भी नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। तोमा के मुंह से यही लफ्ज निकले कौन सा तोमा जो ये कहता है खुदावन मुझे डर लगता है खुदावन मैं शक्की हूँ खुदावन मैं जब तक तुझे देखता हूँ मैं ईमान नहीं लाऊंगा। अब वही कहता है इनके ईमान को भी कायम कर क्या कहते हमने ये कहा हमारे ईमान को कायम कर हमारी रफाकत हमारे मसीह के साथ बड़े बड़े सरदार कहीं के पास चले उसको गले से लगाए या अपनी लिस्ट हमने खुदा के सामने पेश कर दिया सुपरमार्केट में आए और अपनी लिस्ट पर खुदा इस बारिश को पूरा कर नहीं चर्च में आने का मकसद यही
यही होना चाहिए कि खुदा की हजूरी में रहे। मुखालफत ने सर उठाया और हिंदुस्तान के इलाके के अंदर बख्तर की तारीख क्या बताती है कि तोपा रसूल को नेजे के साथ शहीद कर दिया गया। इसके साथ नेजे के साथ जब आपको भारी से नीचे उतारा गया, एक शख्स रहा नहीं गया, उसने पूरे जोर के साथ एक निशाना साधा और नेजा जोर के साथ आपके साथ लगा और नेजा आपकी पसली को चीरता हुआ, जिसम को चीरता हुआ आज पार हुआ और वहां पर आपने जो जान है वो शहादत का नोश किया। क्यों? जान जाती है तो जाए, ईमान ना जाए कौन हमें मसीह की मोहब्बत से चुना करेगा। और इस तरह तोबा रसूल ने अपनी जान का हत्या दे दिया और मसीह की खातिर अपनी जान को कुर्बान कर दिया। अब हमारे सामने सवाल क्या आता है, उसने ऐसा क्यों किया? मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनते हैं, किसकी मेहनतों से आराम पाएंगे? मेरी मेहनत से, आपकी मेहनत से नहीं, अपनी मेहनतों से खूब आराम पाएंगे। मुबारक है वो लोग जिनका नाम किताबे हयात के अंदर लिखा गया। साथ ही साथ खुदा का फजल हुआ, एक किताब जो कि जहर की हामी तोमा के रसूल है उसको लिखने वाला भी यही रसूल है। साथ ही साथ इसके पास टाइटल है रसूल हिंद का, क्योंकि रसूल हिंद आज भी सुन जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, ये बात से जमीन तोमा रसूल ने यहाँ पर आकर रसूल बहाया। ये मत समझे हम हिंदू लेकर आए, कायदे आजम यहाँ पर लेकर आए कि हम यहाँ पर जबरदस्ती आए हैं। तोमा रसूल ने सर जमीन यहाँ पर झील की बुरादी की, अपना खून बहाया और नई इस चर्च की कलीसिया वजूद के अंदर आई। हालेलुया। अब यहूदा ने ये कहा कि आप जानते हैं कि जो फितरत थी इसकी भी फितरत वही थी जो तोमा रसूल की जिक्र तुगे पसंद है। पेशे के तबार से ये शख्स था, ये रसूल का खजानची था, आला रुतबे का मलाजी था, मुतलाशी था और लालची था। क्योंकि आप जानते हैं क्योंकि ये तबार के अंदर हार डालता था और जो भी उसको मिलता था ये वो ले सकता था। सियासी तबके से ये ताल्लुक इसलिए रखता था क्योंकि इसका जो शोभा था वो ये कहता था कि ये खुदा की हवा। एक ही तबका था जो कि यहोवा को अपने माना, किसी को जजिया देना, इसके अलावा किसी को हदिया नहीं देना। चूंकि उस जमाने में रोमियो की हुकूमत राय थी, इस वजह से वो यही चाहते थे कि खुदा हमारा बाप कोई बादशाह हो, कोई दूसरा बादशाह ना हो। रोमियो की हुकूमत उस वक्त आई हुई थी तो ये रोमियो से बड़ी नफरत करते थे। जब इसने ये सुना कि यीशु मसीह ने कहा आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है, तौबा करो, उसने कहा कि यीशु मसीह की बादशाही का हम इंतजार करेंगे, इसलिए मैं इसके पीछे रहता हूँ। इस वजह से वो यीशु मसीह के पीछे जो है वो चल पड़ता, क्योंकि ये चाहता था कि मुझे एक अच्छा रुतबा यीशु मसीह की बादशाही के अंदर मिले। अभी मुझे यीशु मसीह को कबूल करना, आप जानते हैं क्या यीशु मसीह का शागिर्द था? शागिर्द था कि नहीं? क्योंकि कोई आम शख्स था? यीशु मसीह इसको चुना था कि अपनी मर्जी से आया था? अब आपने गौर करना कि किस तरह यीशु मसीह सबसे प्यार करते हैं, लेकिन बाहर सबके भी यीशु मसीह के साथ रहने के भी, खुदा को कबूल करने के भी, चर्च जाने के भी, हदिया देने के भी, सब कुछ करने के भी, जब रुलगुल उसके फल पैदा नहीं होते, अमाल अच्छे नहीं होते, तो आज यहूदा इसके लिए जैसे जो इग्लिसिया के अंदर पैदा होते हैं, किस तरह आगे बढ़ते हैं। इसको रसूलों ने जो खिदमत दी थी वो था ये खजानची था, खैरात करने वाला था और साथ ही साथ इंतजामिया था। आप देखें कि जब कोई किसी भी बिजनेस का आगाज होता है तो वहाँ पर एक शख्स होता है जो पैसे का हिसाब किताब करता है, होता है कि नहीं? होता है। अब जब पैसे
का हिसाब किताब करता है, हम अपने रुपए पैसे का जो सारा निजाम है किस शख्स के सपोर्ट करते हैं, जो बेईमान होंगे ईमानदार हो, ईमानदार के बेईमान के, तो ये बेईमान था कि ईमानदार था? यीशु मसीह को क्या समझते थे? रसूल भी इसको ईमानदार समझते थे, यीशु मसीह को पता था ना ये बेईमान है, लेकिन यीशु मसीह ने इसको बुलाया शायद ये चेंज हो जाए। आज हम भी आते हैं क्या हम चेंज हुए? हमने अपनी ख्वाहिशों को नहीं छोड़ा, हमने खुदा के कलाम पर ध्यान लगा कि खुदा के कलाम ने हमें क्या दिया, खुदा के कलाम ने हमें जिंदगी दी, क्या मत और जिंदगी दो मैं नहीं हूँ। अब जब उसने ये काम किया, देखिए यीशु मसीह के साथ रहता ऐसा दोस्त, ऐसा हमारी, ऐसा शरीर, ऐसा एक चीज जो कि हर्जाई निकला, और दोस्त के जख्म, मोहब्बत के जख्म ऐसे होते हैं कि कोई भी हकीम जो है मरहम के साथ भर नहीं सकता। और यीशु मसीह इस कदर दुख के अंदर थे कि यीशु मसीह ने यह भी फरमा दिया था कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा और मेरी जान बेजार है। इब्ने आदम के लिए जो कुछ लिखा हुआ हुआ जाता है, अफसोस उस पर जिसके सबब से ये होता है, इससे अच्छा ये होता कि वो पैदा ही ना होता। यीशु मसीह चाहते थे कि शायद ये होता चेंज हो जाए। यीशु मसीह यही चाहते थे कि शायद ये होता चेंज हो जाए, लेकिन ये होता इन सब के बावजूद है वो चेंज नहीं हुआ, उसकी खसरत नहीं बदली, उसकी फितरत नहीं बदली। वो यही चाहता था कि मुझे रुतबा मिले, और आखिरकार आप जानते हैं जब इतने फसा का रोज आया तो खुदा भी यीशु मसीह बाकी रसूल के अंदर दुआ करने के लिए रसूलों के साथ गए और कहा तुम्हारा दिल ना घबराए, तो मुझ पर ईमान रखते हो खुदा पर भी रखो, मेरे बाप के घर से बहुत से मकान है, अगर ना आगे तुमसे कह देगा मैं जाता हूँ ताकि जहाँ जगह तैयार करूँ और वापिस आऊंगा, और वापिस आकर तुम्हें तमाम करूंगा अजर अदा करूंगा। फिर हम जानते हैं कि सारा वाक्य वाकई का समझी के अंदर योद्धा इसका युद्ध आया, उसने यीशु मसीह के कांधे के ऊपर हाथ रखा और सलाम करके यीशु मसीह का बोझा दिया। ऐसा उसने क्यों किया गया, जरूरी था? हकीकत के अंदर रवायत यह है, उसको गौर से नोट फरमाइए ताकि आपको पता हो, जब कोई पूछा आपको पता हो। उसने यीशु मसीह का बोझा इसलिए, यीशु मसीह को इसलिए चुमा क्योंकि यह तरीकाकार था, जब कभी अपने उस्ताद से मिला जाता था तो उसके कांधे पर हाथ रखा था, उसका बोझा दिया जाता है, इसका ये तरीकाकार था कि मैंने आपको सलाम किया है। तो यहूदा इसका युद्ध हकीकत के अंदर यह दिखाना चाह रहा था कि देखो मैं यीशु मसीह को सलाम करने के लिए आया हूँ, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, रसूल को पता भी नहीं लगे कि मैं यीशु मसीह का पकड़वाने वाला हूँ। लेकिन आखिरकार आप जानते हैं एक रसूल ने रहा नहीं किया, जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आगे हुए उसने क्या कहा, मयान में से तलवार खींची और एक शख्स का कान लगा दिया, और यीशु मसीह ने क्या कहा, पतरस अपनी तलवार मयान में ना, इन्हें जाने दो क्योंकि जो कुछ होता है हुआ रहता है, क्योंकि जो कोई तलवार खींचता है तलवार से हलाक किया जाएगा। क्या तू नहीं जानता आप जमीन पर जंग करने नहीं बल्कि सुलह करवाने के लिए आया हूँ, अगर मैं अपने बाप से मिन्नत करूँ तो वह 12 फरिश्तों के आसमान से फौजों के भेज सकता है, नया तलवार मिला कोई जाने दो। और इसके फौरन बाद यीशु मसीह ने दाहिना हाथ लगाया, उसका दाहिना कान अपने फजल से ठीक कर दिया। हालेलुया, जो किसी ईमान है जो किसी ईमान है नहीं डर, यीशु मसीह को बेड़ियां डाली, रस्सियां डाली और घसीटते हुए अदालत के आलिया के अंदर ले गए और उनको मौत का फतवा दिया और उनको पकड़वा दिया। और फिर यहूदा इसके क्योंकि आप जानते हैं उसको बड़ा दुख लगा और वो ये जानता था आखिरकार उसको जब एहसास जुर्म का हुआ कि मैंने ये जुर्म किया, तो फिर आखिरकार उसने अपनी मौत को खुद गले लगाया और साथ ही साथ जो पैसे थे वो हैकर के अंदर फेंक कर चला गया ताकि मेरी जान छुट जाए। अब आप जब ये सुनते हैं आपको गुस्सा भी आता है कि इसने हमारे यीशु मसीह को क्यों पकड़वाया, क्यों इसने ऐसा किया, और रसूल भी ये चाहते थे कि हमें बता, यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें बताऊंगा ऐसा क्यों है। और साथ ही साथ जितने रसूलों को हमने पढ़ा है देखा है उनकी अलग कैटेगरी है, लेकिन जब हम मत्ती की अंजील 10वां बाब, लूका की अंजील उसका 6वां बाब, मरकुस की अंजील 3रा बाब और यूहन्ना की अंजील 6वां बाब, जब आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो रसूल उसको अलग नाम से पुकार, जिसका कहते हैं लाखों में एक, ये 12 में एक था, वो चोर था, वो पकड़वाने वाला था, यहूदा इस्करियोती जिसने उसको पकड़वा दिया। तो इस तरह रसूल इसको कॉल करते हैं, अब जब इसने ये काम किया हकीकत के अंदर इसने ऐसा क्यों किया, क्यों ऐसा किया, हमारे जहन के अंदर ये सवाल आता है, पकड़वा तो दिया क्यों इसने ऐसा किया, कभी कभी सोचा गौर किया, अब देखते हैं। फिर आखिरकार आप जानते हैं कि इसने 30 रुपये वहाँ पर फेंके और फिर ये हैकर से निकलता है और कायों ने कहा हमारे लिए रवा नहीं किया, खून की कमाई हैकर के अंदर इस्तेमाल करें। और आखिरकार जब जानते इसे रहा नहीं किया, ये ऊंची जगह पर गया वहाँ पर लड़का और फिर इसने क्या किया, फांसी ली और मर गया। और फिर बाइबल मुकद्दस आगे बयान करती है नेज़ ही नेज़ ये नीचे गिरता है, इसका पेट फट जाता है, आंतड़ियां जो है वो बाहर आ जाती हैं, इस तरह जबरदस्त मौत जो है इसको आई। शायद ये माफी मांगता तो खुदा इसको माफ कर देता, लेकिन उसने माफी का इंतजार क्योंकि वो इस कदर गिर चुका था। अक्सर मित्र आप भी ऐसा होता है, गुनाह पर गुनाह इस कदर कर देते हैं कि हम माफी मांगना पसंद नहीं करते, शायद खुदा हमें माफ करेगा या नहीं, लेकिन उसने कहा है जो कुछ सच से तौबा करेगा मैं उसको माफ करूंगा, क्योंकि बैलों कचरों का खून हमें गुनाह से रिहाई नहीं दे सकता। एक ही जिसने खून बहाया वो बादशाह का बादशाह यीशु मसीह नासरी है। आज जो उसके लहू को पुकारता है उसे गुनाह से पाक और
गया हो जाता है। यहूदा पर मौत आई, जब यहूदा मर गया पीछे कितने रसूल रह गए? लेकिन रसूलों की अमाल की किताब के अंदर लिखा है 12 रसूल। कितने लिखा? 12। को लिखा है गलती हो गई है, 12 कहां से आया? हकीकत है मेरे होता है कि मर गया इसकी जगह कौन रसूल ऐड किया, वो था मिथिया रसूल। कौन सा था याद रखे तो पता होना चाहिए कौन सा रसूल, मिथिया रसूल जो था फिर इसकी जगह उसको ऐड किया गया था, यहां पूरा डाला गया था और मिथिया के नाम पर इस बार मिथिया को उन्होंने ऐड किया। आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूं कि इसने ऐसा क्यों किया? जिस तरह इस पर तबका था ये सियासत आ था, तो आप जानते हैं सियासत बड़ी बुरी चीज है, पॉलिटिशियंस जो है अच्छी भी होती है बुरी भी होती है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। आप उस वाक्य को याद रखें जब खुदा यीशु ने 5,000 लोगों को खाना खिलाया था, तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने ये कहा यीशु हमारा बादशाह है, और यीशु मसीह को पकड़ा गया उसको बादशाह बनाए, लेकिन यीशु मसीह को ये बात अच्छी नहीं लगी, बल्कि वो वहां से चले गए। जिस रसूल ने ये काम शुरू किया वो यहूदा इसकर यहूदी था, उसकी सोच ये थी, सुनिए उसकी सोच ये थी, मैं ये चाहता हूँ कि यीशु मसीह चूंकि बादशाह है मैं भी सियासतदान हूँ, मैं ऐसा करूंगा कि सारे लोगों को इकट्ठा करके लाऊंगा, सारे लोगों को इकट्ठा करके लाऊंगा, और जो यीशु मसीह है ये देखेंगे कि मैं तो नेक आदमी, मैंने कभी कोई गुनाह भी नहीं किया और ये सब कुछ चल रहा है, तो शायद यीशु मसीह अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे, सबको हरा देंगे, हो जाएंगे कि होगा बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि मैं ये समझता था कि शायद अपनी ताकत का इस्तेमाल ना करूँ, लेकिन मेरी वजह से अपनी ताकत को इस्तेमाल किया तो बड़ा ही अच्छा होगा, मुझे अच्छा हिस्सा मिलेगा। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि यीशु मसीह की बादशाही अभी नहीं बल्कि बाद में आएगी, अभी तो पापा को पैगाम देने के लिए आया, और जब यीशु उसको पकड़वाने के लिए जाता है यीशु उसे अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करते, तो तख्ता उसका जो है वो उल्ट जाता है, काम जो है वो उल्टा हो जाता है, इसलिए उसको दुख लगता है कि मेरी तो सारी चाल बेकार गई, मैं तो ये चाहता था कि यीशु अपनी ताकत का इस्तेमाल करो इसराइल को बादशाह आते अदालत में, यीशु उसको उल्टा पकड़वाएंगे, इसलिए उसे रहा नहीं गया, वो 30 रुपए फेंक कर अपनी मौत को गले लगाता है और अपनी देता है। अब उसको माफी मिली या नहीं मिली ये खुदा का और उसका मसला लिखा था। 22 आगे बयान करते हैं कि पाताल के अंदर जब जब कौन सा है? इंग्लिश में इनको जेम्स कहते हैं, लास्ट जो याकूब है ये भी अबरानी में आप इसके नाम का मतलब है पैरवी करना, या दूसरा इसका मतलब है धोखा देने वाला, यूनानी में नाम इस्तेमाल हुआ है जेम्स, इंग्लिश में इसको जेकब भी कहते हैं। एक न्यू टेस्टमेंट के अंदर लफ्ज जेम्स की इस्तेमाल हुआ है क्योंकि इसका नाम उत्तराजन था, यूनानी में लफ्ज जेम्स इस्तेमाल हुआ, उसका अपना नाम भी जेम था, इसलिए इसने जेकब की जगह जेम्स लिखा, क्योंकि वो चाहता था मेरा नाम भी चले, और वैसे भी यूनानी के जो नाम है वो भी जेम्स ही है। पहले ये खुदा यीशु मसीह का मुखालिफ था, पर ये यीशु मसीह का रिश्तेदार था, और फिर आखिरकार उसको यीशु मसीह का ज़हूर मिला। इस तरह जिस तरह यीशु मसीह ने फरमाया मुखालफत अपने घर से शुरू हो गई, इसी तरह ये भी यीशु मसीह का अजीज दिल रिश्तेदार था, और इसको भी यीशु मसीह का भाई कहा गया है। ये यीशु मसीह का तो दीवाना है, कैसे काम करता है, लेकिन जब यीशु मसीह की इसके काम देखे तो ये भी यीशु मसीह के रसूलों की फहरिस्त के अंदर शामिल हुआ। पहले मुखालिफ है, बाद में यीशु मसीह को कबूल किया। अब आगे जब ये आगे बढ़ता है, फिर इसके बाद जब ईद फसा का आखिरी खाना था यीशु मसीह के साथ खाया था, तो इसने के अंदर जिद पैदा करने को जिद किया थी, इसने कहा जब तक यीशु मसीह मुझसे मिलने के लिए नहीं आएंगे मैं खाना नहीं खाऊंगा। कैसी जिद है, क्या हमारी जिद है कि हमारा मसीह हमसे आकर मिले, ये है जिद। और फिर यीशु मसीह ने इसकी जिद को कुछ दिनों के बाद यीशु मसीह के पास आए, बंद दरवाजे से आए, बड़ा कर कहते हैं यकूब खाना लेकर आना, मैं सब बैठ के खाना खाता है, यकूब बैठा आंखों से आंसू टपक रहे हैं, यीशु मसीह सामने बैठे हैं और खाना खा रहे हैं, और ईमान लाया कि मसीह मुर्दों में से जी उठा है, मसीह तो जी उठा था, लेकिन वो ये चाहता था कि मसीह मुझसे भी मिलने के लिए आए। और अभी एक शाऊल रसूलों के अमाल की किताब के अंदर बताते हैं कि यकूब रसूल के ऊपर यीशु मसीह का ज़हूर हुआ। अब जब इसने यीशु मसीह की तालीम को देखा, इरशाद उनका बोल देखा, तो कर दिया ये भी उठा, यरूशलेम की मजलिस का अजीम रहनुमा था, और फिर इसके अलावा साथ शरीयत का सख्त पाबंद था, मगर मसीही ईमान की पैरवी करता था, अकीदा इसकी जिंदगी थी। कौन सी शरीयत? जो खुदा का कलाम है, जो खुदा का इल्हाम है। लेमुएल बादशाह फिर लिखते हैं जो शख्स कान फेर लेता है कि शरीयत को ना सुने उसकी दुआ भी नफरत अंगेज है, और अपने खत के अंदर रसूल फरमाते हैं फर्ज जैसे बदन बगैर रोके वैसे ईमान भी बगैर ईमान के मुर्दा है, तो अगर जो कुछ अंदर है वो भी बाहर आएगा। और यीशु मसीह ने कहा अच्छा आदमी अपने दिल के खजाना से अच्छी चीजें निकालता है, बुरा आदमी अपने दिल के खजाना से बुरी चीजें।
दिखाता है। तो यकूब रसूल था, शरीयत का मानने वाला, कौन सी शरीयत जो यीशु मसीह ने बताई उसको यीशु मसीह की बात याद थी। जलमिश्वर मनी कई कल मातून मन साहेब नमिश्वर, आसमान और जमीन टल जाए तो टल जाए लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना चलेगी। तो रैत में से एक नुक्ता और एक शोशा भी हरगिज ना चलेगा। वो ये जानता था, इस वजह से उसने खुदा की शरीयत को भी माना और मसीही ईमान की भी पैरवी करता। जिंदगी इसकी बड़ी ही सादा थी। और रवायात इब्तदाई कलीसिया ये बताती है, इसके जो टखने और जो घुटने थे वो ऊंट के घुटनों की तरह ताकतवर, किसकी तरह? ऊंट के घुटनों की तरह ताकतवर थे। और जो सर था, जो खोपड़ी थी, वो लोहे की तरह मजबूत थी। क्या आप इनकी पिक्चर देख रहे हैं? कई जवान शख्स हैं, जवान आगे बूढ़े हैं, उम्र रसीदा 25 साल उम्र होगी इनकी, 60-70 कितनी उम्र होगी? कलीसिया देख रहे हैं आप सब, कितनी उम्र है? 60-70 के 20-30। लेकिन इसके बावजूद ऊंट जो है घुट रहे हैं, वो ऊंट की मानिंद मजबूत है, टखने भी वैसे हैं। क्यों? वे कुत्तों के बाद होकर दुआ किया करते थे, अपने सारे सजदे में रखते थे। इसलिए खोपड़ी थी वो सजदा कर करके मजबूत हो गई थी और लोग उनको साधक कहते थे कि वो देखो साधक जा रहा है। क्या आज हम ऐसे हैं? हम तो यंग हैं, जवान हैं, लेकिन हम बैठे बैठे थक जाते हैं। हो मसीह की दुल्हन और मसीह से मोहब्बत ऐसी हो, क्या इसकी उम्र है, क्या हाल है, लेकिन दुआ कैसे करनी है घुटनों के बारे होगा, ताकि मुझे तकलीफ हो, मुझे पता लगे कि यीशु मसीह ने अगर जानती है, खुदा ये चाहता नहीं है तेरी सबको तकलीफ दे, लेकिन ये कहता है कि मैं अपनी मोहब्बत को जाहिर करूँ। क्या थक जाते हैं? और मेरे को रसूल नहीं थकता, हम को थक सकते, क्योंकि रूल के दूसरे मौजूद था। इश्क किसी को नहीं देखता, मोहब्बत किसी को नहीं देखती, उल्फत किसी को नहीं देखती। तो इसका इश्क और उल्फत भी अपने खुदा के साथ और अपने मुनजी के साथ, इस वजह से किसी से नहीं करता था। खैर अगला इस समय पता लगता है कि इनकी शहादत कब आता है, क्योंकि जो कट्टे यहूदी थे वो ये समझते थे कि ये हमारी शरीयत को मानता है। हम ये चाहते कि जो जो था जो लोग यीशु मसीह को ईमान रखते हैं तो उनको काट और ये कहकर जो हम शरीयत की तालीम देते हैं उसको माने। दो तरह की शरीयत थी, दो तरह की रवायतें थी। मैं कभी आपको डिटेल से बताता हूँ कौन सी शरीयत जिसको यीशु मसीह ने रख दिया, क्योंकि रवायत ने खुद बनाई थी और वो लोगों के मुताबिक अपने काम को मुस्बत साबित करने के लिए करते थे। लेकिन जो शरीयत खुदा ने दी वो यीशु मसीह ने भी मानी और वो आज भी कायम है, और यही शरीयत जो है यकूब रसूल ने भी मानी। अगला हिस्सा जब इनकी शहादत का पता है, इन्हें फसा का रोज था, इन्हें फसा के रोज इनके पास यहूदी आए और आकर वो कहते हैं हम ये चाहते हैं कि तू हैकल के तरह इस बात का ऐलान करके जिस शरीयत को हम मानते तू भी मान, और लोगों को भी यही तारीफ दे। उसको उन्होंने पकड़ा और हैकल की गिर पर ले गए और कहते हैं कि इस बात का ऐलान कर। लेकिन यकूब रसूल अपने ईमान का इजहार कैसे करते हैं? हाथ उठाकर कहते हैं तुम मुझसे इब्ने आदम की बात पूछते हो, वो कहाँ है? देखो वो खुदा की कादर मुद्दे की दाहिनी तरफ खड़ा है और वहां से जिंदा और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। तुम कहते हो उसको छोड़ दो, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आग उसे देखेगी, और जिन्होंने उसे छेदा था और जमीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे। अब जब उन्होंने ये सुना कि ये शख्स उसके पीछे लग गया तो उसे रहने ही गया और उनकी पूरी कोशिश थी कि हैकर से उनको नीचे गिराया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि लोग चाहते थे कि उनको संसार किया जाए। लोगों की बात को सुना गया, उनको नीचे उतारा गया और संसारी का काम जो है शुरू किया गया। लोगों ने पत्थर उठाए और मारना शुरू कर दे, लेकिन यकूब रसूल क्या कहते हैं? यीशु मसीह मेरी बात तेरे मुंह से निकले, मुझे इसको माफ करना, वो बात क्या है? ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। एक शख्स ने कहा देखो तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है। जब लोग उसकी बात सुनने के लिए ठहरते हैं, पत्थर की स्पीड थोड़ी सी कम होती है, एक शख्स का गुस्सा किस कदर बढ़ता है उससे रहा नहीं जाता कि धोबी डंडा जिसे कपड़े धोते हैं बड़ा डंडा लाता है और यकूब रसूल के सर के ऊपर जोरदार जरब लगाता है। उनके सर के ऊपर ऐसी गहरी चोट लगती है कि वो अपने ईमान से नहीं हाथ धोते बल्कि मौत को गले लगाते हैं और मौत का जान नाश करते हैं। वो कहते हैं आसमानी बाप मैं अपना ताज लेने के लिए आ रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अब उनका नाम खुदावंद की किताब हयात के अंदर लिखा हुआ है। साथ ही साथ ये रसूल एक खत जिन्हें एहदनामे के अंदर मौजूद है, यकूब रसूल का आम खत, उसका लिखने वाला भी यही है, जहाँ पर ये कहते हैं मुबारक है वो शख्स जो अपनी आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब वो काबिल ठहरा मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करने का खुदावंद ने अपने वादा करने वालों से वादा किया है, जिसे खुदावंद मोहब्बत रखते हैं, और यही यकूब रसूल ने ये काम किया। अब हमारे सामने कलीसिया के सवाल पैदा होता है, रसूल ने ये क्यों किया? इंद्रियास ने क्यों जान दी? पतरस ने क्यों दी? यूहन्ना ने दी, और फिर साथ बर्तुमाई ने दी, मत्ती ने दी, और दिगर रसूलों के साथ साथ तोमा है, और फिर आखिर में यकूब रसूल है, यहूदा इस्करियोती ने तो चलो फांसी ली। इन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो ये बात जानते थे, मुकाशवर किताब के अंदर लिखा हुआ है, लिख मुबारक है वो मुर्दे जो अब से खुदा के यीशु मसीह में मरते हैं, अपनी मेहनतों से और वही लोग उसकी बारगाह में दाखिल होंगे जिनके जामे भरे के खून।
उस वाक्य को जहाँ पर खुदा यीशु मसीह जो है एक शख्स के घर के अंदर गए जिसका नाम क्या है लाजर। लाजर आप जानते हैं यीशु मसीह का बड़ा ही प्रेमी और दोस्त था, यीशु मसीह से मोहब्बत करते। फिर आप जानते हैं उसकी तबीयत खराब हुई, वो क्या हुआ, क्या हुआ लाजर को, लाजर को क्या हुआ था, क्रिश्चियन कि जिंदा था, लाजर मर गया था। यीशु मसीह ने कहा आओ चलकर लाजर को उठाए, तो यीशु मसीह ने कहा खुदा यीशु मसीह को सोता है तो वो जी उठेगा, तो यीशु मसीह ने कहा वो मर गया उसको जिंदा करने चले। अब जब यीशु मसीह वहां पर पहुंचे तो एक खातून भागी हुई आई, यीशु मसीह के कंधों पर गिर गई और कहती है ऐ खुदा ऐ नबी अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। तो आपने फरमाया क्या तू ईमान रखती है, वो जी उठेगा। तो उसने क्या कहा, हाँ खुदा मैं ईमान रखती हूँ, वो कब जी उठेगा। तो यीशु मसीह ने क्या कहा, सब बताया, क्या कहा, कब्र पर रास्ता जो है क्रॉस करते हुए वहां पर पहुंचनी है, तक कब्र पर जाकर यीशु मसीह की शरीर हवारी एलची यहूदी उलमा और वो दो खातून मर्था और मरियम मगदलीनी वहां पर भी यीशु मसीह के पीछे पीछे जाती है। आज जब कब्र पर पहुंचे तो यीशु मसीह ने कहा कब्र के ऊपर से पत्थर कौन हटा, कब्र के ऊपर से पत्थर कौन हटा। तो मर्था ने क्या कहा, खुदा उसमें से तो, उस खातून ने क्या कहा उसके अंदर से तो, क्योंकि उसको मरे हुए चार दिन हो गए। यीशु मसीह ने कहा क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि अगर तू ईमान लाए तो खुदा का इजहार देखेगी। इसके बाद यीशु मसीह ने क्या कहा, उसने कहा मैं ईमान ला चुकी कि खुदा का बेटा इसराइल का बादशाह खुदा का बेटा और मसीह मौत जो है वो तू ही है। यीशु मसीह ने फिर क्या किया, जब कब्र के मुंह पर से पत्थर फट जाता है सारे लोग की नजरें जमी हुई है कि मुर्दे को हाथ लगाने से आदमी नापाक हो जाता है। यीशु मसीह क्या करने वाला है, यीशु मसीह ने क्या किया, यीशु मसीह आगे बढ़े घुटनों के बाद हुए और दुआ करते हैं और दुआ उन्होंने कहा कि आसमानी बाप मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने मेरी दुआ को सुन लिया। क्या दुआ मांगी थी, नहीं मांगी थी अभी, लेकिन फिर भी कहा मैं तेरा क्या करता हूँ शुक्र करता हूँ, पहले शुक्र किया कि तू मेरी सुनता आया है और अब तूने मेरे कहने से पहले सुन ली। लेकिन मैं इस बात के लिए भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जितने लोगों के अंदर ईमान की कमी थी तूने उनको भी ईमान अदा किया और उनके ईमान को कायम कीजिएगा ताकि तेरे जलाल को मेरे सबब से ये देख सके। फिर यीशु मसीह ने बुलंद आवाज से क्या कहा, लाजर सब जोर से बोले लाजर 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 कब्र से बाहर आ, और चार दिन का मुर्दा कफन समेत कब्र से बाहर आ गया। और यीशु मसीह ने फरमाया क्या मतलब जिंदगी को, जो कुछ मर मान जाए, जो लोग मर भी जाए तो जिंदा किया जाएगा, अगर जिंदा ही मान जाए तो अब तक ना मरेगा। चार दिन का मुर्दा कफन समेत कब्र से बाहर आया, यीशु मसीह ने कहा इसके मुंह को खोलो और इसे चले दो। खुदा ने यीशु मसीह के जरिए अपने जलाल को जाहिर किया, क्या मतलब जिंदगी तो मैं हूं, राहत और जिंदगी तो मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। क्या आज हमने यीशु मसीह को इस तरह जाना, क्या आपको हमारे लिए क्या मतलब जिंदगी है, ईमान का सौदा नहीं करना बल्कि यीशु मसीह के साथ लिपटे रहना और अपनी उम्मीद अपनी रहमत जो कि यीशु मसीह के जरिए से हमें मिलने वाली है उस पर उम्मीद रखनी है। आमीन। चलिए जल्दी से याद करें, पहला सूर कौन सा है, दूसरा, तीसरा, फिर इसके बाद लोगों की युक्ति क्या है, चोर था, लालची था, मगर इसके बाद उन्होंने जुर्म का इकरार किया। हमने जुर्म का इकरार करना है लेकिन खुद को सजा नहीं देनी, माफी मांगनी है। तीसरा सूर यकूब रसूल पहले क्या है, मुखालिफ है लेकिन बाद में जान देने तक वफादार रहा। तोबा को किस तरह मौत आई, तोबा को किस तरह मारा गया, नेजे के साथ, किसके जरिए, नेजे के जरिए उसको मारा गया। दूसरा सूर कौन सा है, यहूदा को किस तरह मारा गया, फांसी में उसका पेट फट गया, हथेलियां बाई गई। तीसरा सूर कौन सा है, यकूब रसूल को किस तरह मारा गया, पहले संसार किया गया फिर धोखे डंडे के साथ सर के ऊपर चोट लगाई गई और चोट कर कह रही थी कि आप मर गए, उनको वो बात याद थी, लाजर को जिंदा किया है। तो एक दिन आसमान से हमें भी आवाज आएगी और हम भी जी उठेंगे, इसलिए उन्होंने ये काम किया। मुबारक है वो जो मुर्दे जो खुदा के यीशु मसीह में मरते हैं, देख अपनी मेहनतों से खूब आराम पाएंगे। मुबारक है वो लोग
निजात देगा कबूल किया। अब हमारे लिए क्या चैलेंज है, वो भी भाई आता है, आए किसे बार बार गौर करें, खुदा के यीशु मसीह को कबूल करें, नूरों का काम हम सब पर भारी फजल करे, जब कलाम को तो सुनने समझने वाले नहीं बल्कि इस पर अमल करने वाले भी बन सके। खुदा के यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह की शरादत आप सबके साथ हो। खुदा के मेहमान हम सब पर फजल करे, कलाम मुकद्दस के वसीला से यीशु मसीह को जानने वाले बन सके। खुदा ने यीशु मसीह के जलील नाम में आमीन। आइए अपने सर पर बताएंगे।